हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 16 सितंबर से लेकर आने वाले एक महीने यानी कि 16 अक्टूबर तक का समय आपके लिए जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ग्रह स्थिति विशेष रूप से हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। तो सूर्य का ये जो परिवर्तन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें जो रहस्य छुपा है वो भी आज हम खोलेंगे। क्या रहस्य है और इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है, और खासकर कन्या वालों के लिए बड़ा विशेष हो जाता है। आगे हम ग्रह स्थितियां समझेंगे तो आप समझ पाएंगे क्यों विशेष है। प्रिय दर्शकों, सूर्य का परिवर्तन तो महीने में एक बार होता ही है, परंतु ये विशेष क्यों है? क्योंकि सूर्य का जो परिवर्तन 16 सितंबर को होगा ये कन्या राशि में होने जा रहा है, यानी कि आपकी ही राशि या आपकी लग्न है तो आपके लग्न में होने जा रहा है। तो लग्न में जब कोई ग्रह स्थिति बनती है उसका प्रभाव व्यापक रूप से होता है, क्योंकि ये केंद्र में भी आता है और सबसे बड़ी बात लग्न, क्योंकि हर एक भाव अपने आप में जितने 12 भाव हैं बहुत विशेष होते हैं, हर एक भाव को अपना महत्व है, परंतु उन सब में लग्न सर्वश्रेष्ठ महत्व रखती है, क्योंकि लग्न ही एक ऐसा है जिससे सब कुछ संभव है, क्योंकि हम हैं तो ही सब कुछ है, हम ही नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो प्रिय दर्शकों, लग्न में ये जो सूर्य का परिवर्तन होगा, और सूर्य आपके बेस होते हैं परंतु परम मित्र हैं, और जब सूर्य का परिवर्तन होगा तो कन्या राशि में केतु का परिवर्तन 2023 में अक्टूबर में हो गया था, तब से अभी चल ही रहा है। तो ये युति जो होगी इससे ग्रहण योग का निर्माण होगा, परंतु इसमें कुछ विशेष स्थिति है, क्योंकि 23 तारीख तक तो ग्रहण योग पूर्ण रूप से बना रहेगा, परंतु 23 तारीख को बुध भी यहां पर आ जाएंगे। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा, जहां एक तरफ एक दुर्योग है तो दूसरी तरफ राजयोग है, परंतु ये प्रभावी ज्यादा होगा बुधादित्य योग, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे जो ज्योतिष का सूत्र है कि राहु और केतु जिस भी राशि में बैठते हैं उसके राशिपति के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए ग्रहण योग होते हुए भी बुधादित्य योग बलवान होगा, क्योंकि बुध एक तो अपनी स्वराशि में होंगे, सूर्य भी अपनी मित्र की राशि में होंगे, और केतु बुध के अनुसार फल देने के लिए मजबूर होंगे, इसलिए इसका फल बड़ा विशेष होगा। इसीलिए रहस्य है, क्योंकि नॉर्मली तो आप यदि इस बात में ध्यान नहीं देते कि ये जो सूत्र है तो फिर ग्रहण योग का ही निर्माण रहेगा, है ना। तो इसलिए ये बड़ी रहस्य की बात है। और यहां पर एक स्थिति यह है कि जब बुध का यहां पर परिवर्तन हुआ है तो कुछ और भी योगों का निर्माण हुआ है बुधादित्य योग के अलावा, उसकी चर्चा हम बुध राशि परिवर्तन में करेंगे, उसे आने वाले समय में जल्द ही आपको प्राप्त होगा। अब आइए समझते हैं कि हमें फल क्या मिलने वाला है। तो फल की बात की जाए तो ये समय ऐसा होगा कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे आप जॉब करते हो, व्यवसायी हो, प्रोफेशन में हो, किसी भी तरह विदेश से यदि आप धन अर्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से लाभ होने वाला है। यदि आप इच्छा रखते हैं बहुत समय से कि मैं अपने काम के लिए या किसी भी तरह विदेश जाना चाहता हूँ, तो ये समय होगा जिस समय आप विदेश जा पाएंगे। साथ में यहां पर एक और भी स्थिति है कि समय जब परिवर्तित होता है तो एक साधारण सी स्थिति बनी होती है, पर वो असाधारण हो जाती है। अब जैसे जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे और बहुत समय से प्रयास कर रहे थे परंतु सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो ये समय होगा जिस समय कोर्ट कचहरी में प्रयास यदि आप करते हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, क्योंकि जो केस है, मामला है आपका, वो आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। परंतु इसमें विशेष बात ये होनी चाहिए कि आपका पक्ष सही हो, क्योंकि
क्योंकि यदि आपका पक्ष सही नहीं है तो आप जानते हैं कि आपके जो ये कोर्ट कचहरी का भाव है इसके अधिपति सूर्य है और सूर्य सत्य के प्रतीक है। इसलिए यदि आपका पक्ष सही नहीं है तो फिर संभव ही नहीं कि आपकी विजय हो। इसलिए ये बात का ध्यान रखते हुए ये बातों को समझिएगा। और यदि नियत से संबंधित समस्याएं थी, सर से संबंधित समस्याएं थी, तो वो भी दूर होंगी। और साथ में यहां पर ये जो समय है तो आपके मानसिक तनाव को कम करने वाला, आपको जीवन में सही निर्णय कराने वाला और आपकी यश प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला समय रहने वाला है। परंतु कुछ स्थितियां हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप अपने विपरीत का, या आप दाम्पत्य हैं, आपका विवाह हो चुका है, मैरिज लाइफ है आपकी, तो यहां पर थोड़ा सा संभालना होगा। बात ब्याद होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों के लिए समस्याएं ज्यादा बढ़ेंगी मैरिज लाइफ में या विपरीत के प्रति, जो लोग आज के समय में शादीशुदा होते हुए भी उसका पालन नहीं करते, अपने रिश्ते को 100% समर्पित नहीं है, विपरीत के प्रति आकर्षण होता है, उनकी पोल अब खुलने वाली है। तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यदि ऐसे लोगों की पोल खुले तो इसमें दो चीजें, सामने से देखने में तो लगेगा जिनकी पोल खुलेगी कि अरे हम तो फंस गए, पर वास्तविकता ये है कि आप गलत रास्ते में चल रहे थे, तो अब सही रास्ते में आने के लिए आपको मौका है सुधरने के लिए, सुधर सकते हैं। बाकी निर्णय तो खुद का ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनको भी विशेष रूप से धन लाभ होने वाला है, और खासकर उन व्यापारियों के लिए जो सूर्य या बुध से संबंधित व्यापार करते हैं, उनके बड़े लाभ होने वाले। साथ में देखा जाए तो आप अपने जीवन में इस समय कई सारे ऐसे काम हैं जिनमें कि आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे परंतु नहीं हो पा रहा था, परंतु ये समय होगा जिसमें आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो कि बनने वाली हैं, परंतु यहाँ पर कुछ उपाय भी करने की आवश्यकता है। तो उपाय के रूप में एक तो भगवान भुवन भास्कर को नित्य प्रति अर्घ देना है आपको। अर्घ की विधि आपको पता ही होगी यदि आप हमेशा देखते हैं वीडियो तो। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण नियम, और ये खाली ऐसा नहीं है कि अभी सूर्य का परिवर्तन हो रहा है इसलिए ये करना चाहिए, ये हमेशा हमेशा करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। दिनचर्या को अपने बेहतर करिए, जितना जल्दी हो सके रात्रि में सोइए और जितना जल्दी हो सके सुबह उठिए, संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त के लिए आप 4 बजे उठ जाइए, तो 4 से 5:30 के आसपास का ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, क्योंकि सूर्योदय के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे होता है तो कुछ मिनटों का ही डिफरेंस होता है। तो आप 4 बजे उठने का यदि नियम बना लेते हैं तो फिर बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो कम से कम लास्ट सूर्योदय से पूर्व तो उठ ही जाइए, यानी कि लगभग जल्दी से जल्दी सूर्योदय 5:30 से 6 के बीच में होता है, जल्दी से जल्दी 5:30 बजे उठ जाइए तो भी एक बार ठीक रहेगा, है ना। यदि आपकी लेट उठने की आदत है तो धीरे धीरे इसमें सुधार करके 4 बजे ले आइए। और जीवन में देखिए, ये मैं ज्योतिष से हट के बात बता रहा हूँ, नॉर्मली आप जानते भी होंगे, परंतु जब कई बार बातें आती हैं तो उसमें आदमी कह देता है कि अब समझिए कि जो व्यक्ति 8 बजे 10 बजे उठेगा उसके लिए जो दिन है वो बहुत छोटा हो गया, परंतु यदि हम 8 बजे की जगह है 10 बजे की जगह है 4 बजे हम उठ जाए तो सोचिए हमारे पास 4 से 6 घंटे एक्स्ट्रा समय होगा। अब हो सकता है किसी का ये सवाल हो कि भाई हम उठ के सुबह सुबह 4 बजे से करेंगे क्या, हमारी ड्यूटी तो 10-12 बजे शुरू होती है। तो आप ड्यूटी ही यदि आपके जीवन में है, मुझे खाली ड्यूटी करना है,
नौकरी करना है, जीवन में आगे नहीं बढ़ना है, तब तो ठीक है, जब भी आपको सोना है सोइए, उठना है तो उठिए। यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यदि आप 4 बजे उठते हैं तो आप अपने आप के लिए समय दे सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जीवन में क्या करना उसके विषय में आप सोच सकते हैं, अपने फैमिली को समय दे सकते हैं, अपने आप को समय दे सकते हैं, आप जीवन में यदि चाहते हैं इस जो रेस लगी है, रेड रेस लगी है ना, जीवन में हमारे ऐसा है कि भाई पैसा नहीं है, कभी बीमारी है, कभी ये है, कभी मतलब तमाम समस्याएं, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि आज के समय में पैसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये जो 4 से 6 घंटे आपके पास बचेंगे इसमें आप कुछ काम कर सकते हैं। आज के समय में बहुत सारे ऐसे काम है आप घर बैठे कर सकते हैं, करिए 4 से 6 घंटे। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आपके पास 4 घंटे बचे, 4 घंटे में आपने कुछ भी काम कर लिया साइड में, तो धीरे धीरे आप नौकरी से फ्री हो सकेंगे। तो बहुत सारे मार्ग हैं, बाकी इच्छाएं आपकी हैं, पर मेरा तो यही कहना है। अब एक दूसरा उपाय है भगवान शिव माता पार्वती की आराधना, ये भी साथ में करिए, जिससे और भी बेहतर रहेगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।